तो ये कितनी अच्छी बनी है हमारी दम आलू की रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए हमने दो बड़े साइज का टमाटर लिया है, दो हरी मिर्च लिया है और एक इंच अदरक का टुकड़ा। इन सारों को हम अच्छे से ग्राइंड करके पीस लिया है। तो कितना अच्छा इसका प्योरी तैयार हुआ है देखिए। तो अब हम लगभग 15 से 20 आलू लेंगे और उस आलू को हमने बॉयल करके सारे उसके छिलके निकाल के और इस प्रकार से किसी कांटेदार चम्मच से इस प्रकार से इसमें सुराख कर लेंगे ताकि हमारा फ्राई करने के समय इसमें जो अच्छे से अंदर भी पक जाए और नमक भी मसाले भी इसके अंदर चले जाए। तो ये देखिए, तो इसी प्रकार से हमने, आप चाहे तो चाकू से भी इसे कर सकते हैं, तो चाकू से भी हमने इस प्रकार से इसमें सुराख बनाया है। तो ये देखिए, तो आप चाहे किसी भी चीज़ से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो फाइनली हमने सारे आलू को इस प्रकार से कर लिया है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और उसके बाद सारे आलू को हम फ्राई कर लेंगे। तो आप तेल चाहे तो और ज़्यादा मात्रा में भी डाल के इसे फ्राई कर सकते हैं। हमने कम तेलों में इसे फ्राई किया है तो इसके लिए हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और आपके पास अधिक तेल हो तो एक साथ निकल जाएगा फ्राई होके। तो ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप चाहे तो और भी डीप फ्राई कर सकते हैं इसे, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको। तो हमने इस प्रकार से इसे फ्राई करके रखा है। तो सारे आलू को हमने इस प्रकार से फ्राई कर लिया। थोड़ी सी तेल इसमें फ्राई पैन में हमने रखा है, बाकी को हम निकाल लिया है। तो उसमें खड़ा जीरा डालेंगे और एक बड़े साइज़ का हमने प्याज काटा था उसे हम डाल के इसे भी अच्छे से पकाएंगे ताकि हम इसकी ग्रेवी अच्छी बना सके। तो इसमें खड़े मसाले में हमने 2 से 3 तेज़पत्ते और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डाले हमने और उसके बाद इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे कवर करके ताकि प्याज हमारा अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा ये फाइनली देखिए प्याज पक गया है, ब्राउन हो गया है। तो अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सारे हमें लगभग 1-1 चम्मच लिए हैं और इसमें पानी डाल के इन मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो इसमें फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा मसाला पका है और ये पैन भी छोड़ने लगा है, तो तेल भी अलग होने लगा मसाले से। तो अब हम इस स्टेज पे टमाटर का प्योरी डालेंगे जो हमने पीसा था। तो ये देखिए इसी प्रकार से हम मिला लेंगे सारे प्योरी को और इसे भी लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो अब यहाँ पे हम टमाटो केचप थोड़ी सी ऐड करेंगे। तो आपको पसंद हो तो डालें, लेकिन इस प्रकार से आप बनाएंगे तो थोड़ा सा दम आलू की जो रेसिपी होती है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इसे भी लगभग 2 से 3 मिनट करके भूनना है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी हमने वही जो मिक्सी में ग्राइंड किया था उसी का पानी है, तो उसी को धो के हमने इस पर डाला है। तो इसे अब 1 से 2 मिनट पका के हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने पहले डाला नहीं था, तो ग्रेवी के हिसाब से आप अपना नमक की मात्रा रखें। तो अब हम यहाँ पे फ्राई किए आलू डालेंगे और इसे मिला के आप इसे कवर करके लगभग मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक और पका लें ताकि हम मसाला जो है हमारे आलू में अच्छे से सेपरेट हो सके। तो हमने कवर कर दिया है। तो फाइनली ये देखिए हमारी दम आलू की रेसिपी बनके तैयार है। तो अब हम यहाँ पे इसमें लास्ट में थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर लेंगे ताकि इसमें जो दम आलू का जो स्वाद है थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। तो गरम मसाला डालने से स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये हमारा फाइनली दम आलू की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा दम आलू की रेसिपी बनके तैयार है और इसकी ग्रेवी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
कितनी बढ़िया ये हमारी दम आलू की रेसिपी बनी है। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।